ढेर के ढेर होते हैं कौरव संप्रदाय और मुट्ठी भर होते हैं पांडव संप्रदाय। वो पांडव संप्रदाय में भी पांच पांडव पांच तरह के हैं। कोई सिख धर्म के सही सहदेव जैसे हैं, कोई सन्यास धर्म के नकुल जैसे हैं, कोई अर्जुन जैसे बुद्धिमान नरार्जुन बुद्ध धर्म के जैसे हैं, कोई भीम जैसे भयंकर कर्म करने वाले भी हैं, अति सामना करने वाले। जैसे भीम ने अकेले 100 कीचकों को मारा, 100 कौरवों को मारा और अनेकों राक्षसों को संहार किया, भयंकर रूप था। और जितना भीम का भयंकर रूप था उतना ही युधिष्ठिर का मृदुल रूप था, सहन शक्ति वाला रूप था। तो ये पांच वर्ग के पांच पांडव जैसी आत्माएं तैयार होती है, उनमें भी जीते जी स्वर्ग में जाने वाले युधिष्ठिर जैसे बहुत थोड़े निकलेंगे। बाकी तो और धर्मों के कन्वर्ट होने के चक्कर में आ जाएंगे। बौद्ध मुसलमानों और क्रिश्चियंस के सामने परास्त हो गए, अहिंसा की व्याख्या ही बदल दी, अहिंसा परमो धर्म। जो सन्यासी थे वो संग्रही हो गए, त्याग तपस्या छूट गई, और जो सिख थे वो तो बेचारे आते ही हैं आखिरी समय में, जब तामसी शूटिंग शुरू होती है, जब तामसी दुनिया बन जाती है हिंदुस्तान में, मुसलमानों का और अंग्रेजों का वर्चस्व होने लगता है, वो तो है ही सबसे छोटा भाई। फिर भी विशेषता ये है कि वो आज से अंत तक हिंदुओं का सहयोगी बन करके रहता है। बुद्धि से समझ नहीं पाता है वो एक बात अलग है, बच्चा बुद्धि है, जैसे कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि है। सवाल आया है कि ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, और ब्रह्मा है अनेक प्रकार के, ब्रह्मा एक है या ब्रह्मा अनेक है? ब्रह्मा नाम तो अनेकों के हैं, तो कौन से ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई है? जितने भी ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो ब्रह्मा को विष्णु का टाइटल संपन्न बनने पर धारण कर लेती हैं, उनमें कौन सी ऐसी विशेष ब्रह्मा वाली आत्मा है जिसके संकल्पों से सृष्टि रची गई? अरे कोई की बुद्धि में नहीं आता। अगर आदि ब्रह्मा कहें तो आदि ब्रह्मा कौन? आदि ब्रह्मा अगर प्रजापिता को कहें तो प्रजापिता से पहले भी कोई ब्रह्मा बना या नहीं बना? देखो मुरली में बोला है, ब्राह्मण बनने बगैर प्रजापिता था क्या? माने प्रजापिता भी ब्राह्मण था, और ब्राह्मण बनने से पहले उसको भी किससे जन्म लेना पड़े? ब्रह्मा से जन्म लेना पड़े। तो फिर आदि ब्रह्मा कौन? जगदम्बा। तो क्या कहें
कि जगदम्बा के संकल्पों से सृष्टि रची गई? जगदम्बा भी बाप की बच्ची है या रचयिता है? बच्ची है। तो सच्ची रचना में तो रचयिता चाहिए, तो कौन सा ब्रह्म है जिसके संकल्पों से सत संकल्पों से सत युक्त की सृष्टि रची गई? अरे कौन सा ब्रह्मा है जो विष्णु नहीं बनता है? अरे विष्णु की चार भुजाएं हैं, है कि नहीं? तो विष्णु में चार आत्माएं नहीं है क्या? हैं? और विष्णु के पार्टधारी में चार आत्माओं का सामंजस्य है, तो क्या उन भुजाओं को चलाने वाला कोई नहीं है? बिना चलाने वाले के भुजाएं चल पड़ती हैं क्या? किसी का सर काट दो और फिर उसकी भुजाएं चलती रहेंगी? नहीं। तो ब्रह्मा को चतुरानन नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पंचानन। और उन पंचानन कहे जाने वाले ब्रह्मा में से एक मुख ऐसा है जो दुनिया का बड़े से बड़ा तामसी भी बनता है और दुनिया का बड़े से बड़ा सात्विक पार्ट बजाने वाला भी बनता है। जब बड़े से बड़ा तामसी बनता है तो वही प्रजापिता ब्रह्मा शिव को भी गाली देने पर लग पड़ता है। वो अपने सामने शिव को कुछ भी नहीं समझता। तो दिखाते हैं कि शिव के गण ने क्या किया, उसका सर कलम कर दिया। सर कौन सा मुख लगाया गया? मैं करने वाला बकरे का मुख लगा दिया। माने अहंकारियों में सबसे बड़ा अहंकारी संसार का साबित हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। माना अच्छे में भी बाप और बुरे में भी बाप है। तो जब सर कलम कर दिया तो अहंकार पस्त हो जाता है, फिर शिव के सामने झुक जाता है या अकड़ जाता है? है, झुक जाता है। तो ये कथाएं दिखाई हुई है कि जो देवान को नष्ट करने वाला मुख है कलम कर दिया जाता है तो देवान अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है। बाकी चार ब्रह्मा के लिए कलम किया हुआ मुख नहीं दिखाया जाता, माने उनका देहभान रहता है। वो एक है पहला जिसको मुख कलम किया जाता है, देहबान खलास। पहले पहले उसका देहबान खलास होता है तो पहले पहले ब्राह्मण, तो पहला पहला देवता बनता है। इसलिए मुरली में बोला, मनुष्यों में ऊंचे से ऊंचे है कौन? प्रजापिता। देवताओं में ऊंचे से ऊंचे है नारायण, और आत्मा में ऊंचे से ऊंचे है हैं शिव। और शिव का रूप क्या होता है?
के रूप में पूजा करते हैं। शिव का रूप क्या होता है? लिंग के रूप में पूजा करते हैं। अरे कहीं लिंग बताती है, कहीं बिंदु बताती है। शिव का रूप क्या होता है? बिंदु रूप होता है क्या? रूप होता है। बिंदु का चित्र बन सकता है? बिंदु का तो चित्र बन ही नहीं सकता है। शिवलिंग जो है वो अरूप नहीं है, वो तो अंडा आकार है बड़ा, उसका चित्र बन सकता है। जो चित्र बनता है वो शिव नहीं होता है, वो शिवलिंग होता है। क्या होता है? शिव नहीं होता है, क्या होता है? उसको कहते हैं शिवलिंग। आप अधूरा बोलते हैं। उसका नाम शिवलिंग होता है। मेरे लिंग की ही पूजा की जाती है, और 33 करोड़ जो देवताएं हैं उनकी अलग अलग इंद्रियों की पूजा की जाती है। नरसप्पा बोलते हैं। नरसप्पा, हाँ, नरों का अप्पा, नर माने मनुष्य। आप लिंग को क्या आत्माओं का बाप समझते थे? लिंग आत्माओं का बाप नहीं है। लिंग के अंदर जो बिंदु रखा जाता है वो है आत्माओं का बाप। और अच्छा बोलो। हाँ मिटाने का कारण ये है कि कोई चीज बार बार रिहर्सल की जाती है। नाटक होता है, रिहर्सल करते ही नहीं। या कोई रील खींची जाती है, रील तैयार की जाती है ना फिल्म की, तो एक बार तैयार की जरूर है, पहली बार में ही बढ़िया बन जाएगी नहीं? कुछ न कुछ कसक रह जाती है, अरे ठीक नहीं है ये, बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है, खत्म। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, आखिर कभी तो कंप्लीट होती है कि नहीं? तो जब कंप्लीट होती है वो चौथी बार है, क्योंकि चार युग हैं, तो चार युगों की शूटिंग भी चार बार लुधी हुई है। देवतावर्ण की शूटिंग, क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, वैश्य वर्ण की शूटिंग और शूद्र वर्ण की शूटिंग। देवताएं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं कि शूद्र ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? देवता तो बुद्ध होते हैं, तो बढ़िया शूटिंग नहीं करेंगे है? बढ़िया शूटिंग करेंगे? वो करेंगे ही नहीं। तो बढ़िया शूटिंग तो वो करेंगे जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो जब शूद्र वर्ण की शूटिंग होती है तो उन शूद्रों में पहले नंबर का जो शूद्र है वो प्रत्यक्ष होता है शूटिंग करने वालों के बीच में, माने सभी ब्राह्मण संप्रदाय के बीच में वो अव्वल नंबर शूद्र प्रत्यक्ष हो जाता है। और वो ज्यादा बुद्धिमान होगा या कम बुद्धिमान होगा? है ज्यादा बुद्धिमान होगा। दुनियावी हिसाब से बुद्धिमान होगा या अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से बुद्धिमान होगा? अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया से ज्यादा बुद्धिमान होता है, इसलिए वो शूटिंग पूरी हो जाती है। तीन बार सृष्टि को बिगाड़ा, तीन बार रील को बिगाड़ा, चौथी बार बिगाड़ने की दरकार नहीं पड़ती है,
काम संपन्न हो जाता है। अव्यक्त वाणी में घोषणा कर दी जाती है, क्या बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी। नई दुनिया की सौगात दे दी तो शूटिंग संपन्न हुई तब दे दी या पहले ही दे दी? शूटिंग संपन्न हुई तो नई दुनिया की सौगात दे दी और बच्चों ने उसका फाउंडेशन डाल दिया। मैंने लंबी चौड़ी कथा लिख करके भेजी है, बाद में पढ़ेंगे। हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो? रुद्रमाला के मणके से तो चिट्ठी रखी नहीं जाती। माने रुद्रमाला के मणकों में, रुद्रमाला के मणके माने सारी दुनिया के बीज, जो सारी दुनिया के बीज रूप रुद्रमाला के मणके हैं, उनमें सतयुग के देवताएं नहीं होते हैं? है? देवतावर्ण की आत्माएं नहीं होती हैं? होती हैं। तो देवतावर्ण की आत्माओं की भी शूटिंग होती है, क्षत्रियवर्ण की आत्माओं की भी शूटिंग होती है, वैश्यवर्ण की आत्माओं की भी शूटिंग होती है, और शूद्रवर्ण की भी आत्माओं की शूटिंग होती है। चार युग हैं तो चारों युगों की शूटिंग होती है। इसलिए गीता में आया है संभवामि युगे युगे, हर युग के अंत में मैं डायरेक्टर बन करके शूटिंग करता हूँ। संभवामि माने प्रत्यक्ष होता हूँ। और बच्चा मल्टी मिलियनायर का बच्चा है और मल्टी मिलियनायर के बच्चे को मल्टी मिलियन अपने बाप से मिला और उसका जो ग्रैंडफादर था वो बहुत गरीब था। किसका? जो बच्चा है उसका जो ग्रैंडफादर था बाबा, वो बहुत गरीब था। उस बाबा के बच्चे माने बाप ने सारी मिल्कियत कमाई, बाप सारी मिल्कियत उस बच्चे को देकर जाता है। तो बच्चा अपने बाबा की महिमा गाएगा या बाप की महिमा करेगा? उसे प्राप्ति किससे हुई? है? बाप से प्राप्ति हुई। और बाप की महिमा करेगा, हमारा बाप ऐसा था, इतना होशियार था, एक ही जन्म में बैगर से क्या बन गया? प्रिंस बन गया और हमको भी बना गया। तो याद नहीं किया उसने? है? नहीं याद किया? याद तो किया, लेकिन वो याद संपूर्ण याद नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप ने जो कमाई की है और उस कमाई करने में जो अपने जीवन में अनुभव लिए हैं, वो सारे अनुभव उस बच्चे के पास नहीं हो सकते। इसलिए जो महिमा करता है बच्चा, उस महिमा में कहीं न कहीं त्रुटि भी हो सकती है, वो संपन्न याद नहीं है। इसलिए बोला कि मुझे अब विचारी रूप में याद करो, माम एकम याद करो।
मिथ्य याद नहीं होनी चाहिए, महिमा करना भी याद करना है। माँ बच्चे की तोतली बातें याद करती है, छोटा बच्चा है उसको कैंसर हो गया, बाप उसे विदेश में ले जाता है हॉस्पिटल में, माँ स्वदेश में बैठे बैठे याद करती है बच्चा ऐसे ऐसे तोतली बातें करता था, ऐसे ऐसे बोलता था, कितना मीठा था, कितना प्यारा था। ये याद करना नहीं है, है? याद ही है, याद है लेकिन संपूर्ण याद नहीं है। इसलिए बोला माँ में कम याद करो, क्या है एकम का मतलब निश्चयात्मक बुद्धि से मुकर्रर रथ के द्वारा ही याद आए और कोई दूसरा याद ना आए। शनि ग्रह कौन है और किस धर्म का है? पहली बात तो ये है कि इस तरह का प्रश्न पूछना बेकार है, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला बाप दादा किसी के पार्ट को कागज पर लिखकर बोर्ड पर लिखकर बता देंगे नहीं और मुख से भी नहीं बता देंगे, इसका ये पार्ट है, इसलिए ये पूछना ही बेकार है। हाँ, जो शनिचर देवता के पक्के भगत रहे होंगे या शनिचर देवता के वारसदार बच्चे बन करके रहे होंगे, क्योंकि शनिचर देवता मित्रता करने में पक्का है, पक्के मित्र बन करके रहे होंगे, वो उसकी जीवन कहानी को पहले पहचानेंगे कि कोई दूसरा पहचानेगा? है? कोई पहचानेगा।